जी सम्मानित नागरिकों नमस्कार। ये देखिए असंख्य चिड़िया है और ये अपना काम कर रही है और ये पेस्ट मैनेजमेंट चल रहा है। संध्याकालीन समय और चिड़िया अपना काम कर रही है, जितना भी ये आपके छोटे छोटे सूक्ष्म कीट हैं इनको अच्छे से चुग रही है और ये पूरे नेचुरल फार्म में चारों तरफ चिड़िया अपना काम बखूबी निभा रही है। बिना कोई केमिकल का ये गेहूं है और ये पछेती गेहूं लगाया गया है। ये ट्रायल चलते रहता है कि किस समय में क्या चीज़ हो सकता है और ये सारी चीज़ें जनमानस के कल्याण के लिए और कुछ रिसर्च के लिए कि जिससे कि नई नई तकनीक लोगों को दिया जा सके। पूरे दिन भर की दिनचर्या इस तरह की बनी हुई है कि अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ें यहाँ पर प्राकृतिक छटा दिखाई पड़ती है। तो यही देखने के लिए, यही समझने के लिए पर्यावरण से रिलेटेड कि क्या एक्टिविटीज़ किस समय में होती है, ये एक अध्ययन का विषय है और लगातार इसी प्रयास और फिराक में लगे रहते हैं कि नई नई चीज़ें क्या दिख रही हैं और ये कैसे काम चल रहा है। देखिए ये चिड़िया काफ़ी उड़ गई और किसी ने इनको मैसेज दिया, इनका कुछ साउंड है, अपना ध्वनि है, किसी ने कुछ मैसेज दिया कि आसपास शायद कुछ खतरा है या और भी कुछ है, तो इनका एक साउंड होता है। देखिए कुछ बोल रही हैं, आपस में कम्युनिकेट कर देते हैं, लीडर होते हैं इनमें और वो लीडर एक दूसरे को गाइड करते रहते हैं। जहाँ कहीं भी थोड़ी सी भी कुछ खतरा नज़र आएगी तो ये कुछ साउंड निकालते हैं और ये फुर से उड़ जाते हैं। फिर भी मनोरम हर चीज़ है, देखने में सुनने में तो काफ़ी आसान लगता है पर इतना आसान नहीं होता है। एक पूरी जर्नी है, एक पूरी पढ़ाई है और ऑब्जर्वेशन है और ये सारी चीज़ें चल रही है। बिना केमिकल के फसल उगाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि सबसे पहले तो आप ज़मीन से, फिर उसके बाद जो कीट पतंग है उनसे, इसके बाद जानवर से, इसके बाद पशु पक्षी अलग अलग टाइप से अटैक करते हैं क्योंकि उनको भी नेचुरल चीज़ें अच्छी लगती है। फिर भी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ये एक फितरत है और इसी फितरत में कि अपनी शरीर की प्रकृति और पूरी ये धरती की प्रकृति भी सुधार की दिशा में हो और किस तरह से एक बदलाव आएगा, और उस बदलाव के लिए ज़रूरत है सबसे पहले अपने आप को सजग करना। संध्याकालीन समय में ये सारी छटा दिखाने के विशेष प्रयोजन ये रहता है कि सुबह और शाम का अपना एक महत्व है खेती के लिए। तो यदि आप अपने खेत में सुबह और शाम एक चक्कर भी लगाते हैं तो खेत के जो पौधे हैं उनको भी आपका सानिध्य अच्छा लगता है और वो ढूंढते हैं आपको कि आप आएँ। और ऐसे ही यदि आप अपने घर पर, अपने छत पर भी कुछ लगा रखते हैं तो वहाँ भी आप ज़रूर से एक विजिट सुबह या शाम को करके आइए, जिससे कि पौधों को भी अच्छा महसूस हो। पुनः मुलाकात होगी नई जानकारी के साथ, तब तक बहुत ध्यान से रहिएगा। आप सभी का धन्यवाद। मैं प्रवीण मिश्रा ऐसे ही प्राकृतिक चीज़ें आपको दिखाता रहूँगा। थैंक यू।